क्या करें उपाय कि सर्दी के मौसम में भी आपके बाल न रहे चिपचिपे। कौन सा तेल लगाएं? कैसा हो आपका डाइट जिससे बालों को मिले पूरा पोषण? जानेंगे ट्रैकोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी से। देखिए जियो जिंदगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दी का साइड इफेक्ट है डैंड्रफ, और जब डैंड्रफ होता है तो आप कई बार ज्यादा उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन दरअसल डैंड्रफ जो है वो एक बीमारी है। वैसे इस पर अभी भी चर्चाएं काफी चलती हैं कि क्या वाकई एक बीमारी है या नहीं। जाने के लिए हमारे साथ ट्रैकोलॉजिस्ट पंकज चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर से स्वागत है आपका। क्या डैंड्रफ एक बीमारी है? मेडिकल साइंस में डैंड्रफ को अभी भी एक बीमारी मानते हैं, हालांकि ये बहुत ही मामूली बीमारी है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में ये बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है, तो इसका जो इलाज भी होता है वो भी बीमारी के तर्ज पर ही होता है। लेकिन अगर इंसान अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखे, हेयर्स की प्रॉपर केयर करे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन मौसम का जब साइड इफेक्ट होता है, आप जैसे सर्दियां आ रही हैं तो अचानक आपका एकदम से पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ये किन लोगों को होती है जब मौसम में बदलाव होता है? तो मौसम में बदलाव का असर इसलिए पड़ता है कि जैसे सर्दियां आती हैं तो लोगों का बालों पर से ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। नॉर्मली स्कैल्प क्लेंजिंग या बालों पे डेली शैम्पू करना, ये एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है। नॉर्मली समर्स में लोग 2 से 3 बार स्नान करते हैं, शैम्पू करते हैं बालों को रोजाना आमतौर पर, लेकिन सर्दियों में आते आते ये चीज हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार या 1 बार शैम्पू में चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ऑयल स्कैल्प में इकट्ठा होता रहता है, इसकी वजह से डैंड्रफ होता है। चलिए डॉक्टर पंकज, नितिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। नितिन पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? नितिन मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो शायद आवाज नहीं आ रही है। सिंगूर से सूरज है हमारे साथ। सूरज पूछिए सवाल। हेलो जी, पूछिए। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही जी? आ रही है। सर मेरे बचपन से ही बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जी, बाल झड़ते हैं आपके? आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी 25 है। 25 है, और बालों में आपके फैमिली में आपके फादर के बाल कैसे हैं? हाँ वही चक्कर है, फादर के भी मतलब ऐसे जैसे मेरे आगे दोनों साइड से गंजे हो जाते हैं। जी, आप शायद आप मेल पैटर्न बॉलनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफर कर रहे हैं। ये एक जेनेटिक बॉलनेस होती है जिसका आमतौर पे जो फर्क आता है वो जीन्स की वजह से आता है, और ये फैमिली में इनहेरिट होती है। तो अगर टाइमली आप ट्रीटमेंट करते हैं, समय रहते आप अगर इलाज शुरू करते हैं, तो इससे आपको हेयर फॉल में भी आपको रुकावट आएगी, और अगर ये एडवांस कंडीशन में है तो हेयर ट्रांसप्लांट्स और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से आपको परमानेंट इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यानी कि भी नहीं सीरियसली ट्रीटमेंट लेने की? हाँ जी, अब इसको ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, इसको प्रॉपर इलाज करने से रोका जा सकता है। हम बात डैंड्रफ की कर रहे थे, अगर आपका भी कोई सवाल है डैंड्रफ से जुड़ा, आप बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं आप जाते हैं तो दोस्त भी आपको चिढ़ाते हैं कि भैया इतना डैंड्रफ, तो आप कॉल करिए, पूछिए समाधान आखिर है क्या। लेकिन ये स्कैल्प डिसऑर्डर खत्म कैसे होता है? क्या छोटे मोटा कोई इलाज ऐसा होता है? स्कैल्प डिसऑर्डर खत्म करने के लिए जो सबसे पहले हम स्टेप लेते हैं वो है थोरो क्लेंसिंग, हफ्ते में सारे दिन शैम्पू करना, या अगर फीमेल्स जिनके बाल लंबे होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता है डेली शैम्पू करना, उनके लिए अल्टरनेट डे शैम्पूइंग, और ऑयल को कम्प्लीटली बंद करना, क्योंकि डैंड्रफ उन्हीं को होता है जिनके स्कैल्प में ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और हमारे देश में ऐसा एक कल्चरल ट्रेंड है कि हम ज्यादा ऑयल लगाते हैं सिर पे, कोई भी डिजीज होती है तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत तेल से करते हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। बालों में ऑयल एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहिए और डेली शैम्पूइंग शुरुआत करनी चाहिए। तो ऑयल मतलब हम लोग तो काफी ज्यादा लगाते हैं, तो कब ऑयल कितनी बार लगाएं हफ्ते में? हफ्ते में ऑयल का सिर्फ एक कंडीशनिंग इफेक्ट होता है, और इसी की वजह से हमारे कल्चर में ये चीज डीपली रूटेड है कि आपको बालों में तेल लगाना चाहिए जिससे आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे। तो आजकल इतने अच्छे मार्केट में कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, लिव ऑन सेरम्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं, और आपको ऑयल जैसा इफेक्ट आएगा बालों में, लेकिन बालों में ऐसा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, बचपन से एक कहावत भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि सरसों का तेल आप लगाओ, आप नारियल का तेल लगाओ, आपके बाल लंबे होंगे, शाइनिंग आएगी बालों में, ये सब गलत है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है, और अगर आप विश्व में देखें तो सिर्फ 1 या 2 देश हैं जहां पे बालों में तेल का यूज होता है, अदरवाइज कोई भी तेल नहीं लगाता, और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही बाल अच्छे उगते हैं, तो विश्व में हर जगह।
चलिए एक कॉलर जुड़ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर पंकज ने कही है। प्रवीण हमारे साथ है राजस्थान से, प्रवीण सवाल पूछिए अपना। प्रवीण आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी जी पूछिए। तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, क्या कि मेरे डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो चुका है, उसकी वजह से मेरे जी डैंड्रफ भी है, बाल भी बहुत झड़ते हैं। प्रवीण जी, बाल झड़ना और डैंड्रफ होना ये दोनों आपस में अलग बीमारियां हैं।